अपना बस सब सुखी रहे, खुश रहे। और जब से अंधेरी से राजा चालू हुआ है तब से उसका आउटडोर होर्डिंग्स में लगा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लालबाग और मुंबई का राजा जैसा अंधेरी से राजा मुंबई में फेमस हो गए। भगवान का दिया हुआ मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो भगवान के पास दुनिया में सब खुश रहे, सुख रहे, यही मुराद है। देवा हो देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन हो स्वामी, तुझसे बढ़कर कौन। जी सबसे पहले बताइए आपकी कितनी मुरादें पूरी हुई जो गणपति बप्पा का आपने दरबार में मांगी। पहली मुराद घर, दूसरी मेरी सेहत, तीसरी मेरी गुड़िया। बस संसार पूरा हो गया, घर मिल गया आपको, आपका परिवार ठीक है, आपकी बच्ची है 3 साल की, और काम तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, वो चल ही रहा है। गणपति बप्पा का जब भी पहला दिन आता है, आप किस तरह से वी स्टार्ट अवर डे एज अर्ली एज 6:30, और सुबह 6:30 उठ के पूरा मंदिर धोया जाता है, और उसके बाद नारियल फूल, हाथ से मोदक भी बनाती हूँ मैं, वो सब हम लोग चढ़ाते हैं, और आरती होती है। दिन में 2-3 बार हम आरती करते हैं। फर्स्ट डे गणपति रखें, जैसे 1.5 दिन का मैंने पहले रखा था, तो बिल्कुल फुल प्लेजेड पूरे दिन में ही होती रहती है। अदरवाइज 2 or 3 times वी डू आरती इन अ डे, एंड देन वी बाय लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू लॉट ऑफ शॉपिंग। अब तक कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है गणपति बप्पा की तरफ से? जी अब तक कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है? गिफ्ट काहे का गिफ्ट, भगवान की तरफ से कोई गिफ्ट मिला अब तक? जी इतनी बड़ी जिंदगी मिली है, ये उसका गिफ्ट है। अच्छी सेहत है, ये भी उनका गिफ्ट है। आज मैं खड़ी आपसे बात कर रही हूँ, ये भी उनका गिफ्ट है। मेरा परिवार जो है स्वस्थ है, ये भी उनका गिफ्ट है। आज मैं उनके दरबार पे खड़ी हूँ, उन्होंने बुलावा भेजा, ये भी उनका गिफ्ट है। यकीन करें ये पहला साल है कि मैंने उनका थैंक यू ही किया है। कुछ मुझे लगता है मांगने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो इतना जान गए हैं मेरे बारे में कि मैं आँख देखती ऐसे उनको देखती हूँ तो मालूम पड़ जाता है कुछ मांग रही है मेरे से, कुछ चाहती है। ये आपकी लाइट बंद हो गई है? हाँ ये बंद रहेगी अब? अच्छा ठीक है। सो लाइक यू नो यू डोंट हैव टू आस्क हिम, वी हैव रीच्ड द स्टेज एक्चुअली, इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई ना आपस में, तभी कहना नहीं पड़ता। ही नोज इट, इस बेचारे को थोड़े पैसे चाहिए, इसको गाड़ी चेंज करनी है, इसका बच्चा थोड़ा बीमार है उसको ठीक कर देता हूँ, इसका गला ख़राब है, इसका शो है कैसे गाएगी, ठीक कर देते हैं। ही नोज इट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
बहुत अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और कहते हैं कि भगवान जो आपको बुलाते हैं वो एक बुलावा होता है, आप लाख कोशिश कर लो जब तक कि आपको भगवान या पापा या माँ या जो भी आपको नहीं बुलाई आप नहीं जा सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत की बात है। आज ना आते होते भी मैं आगे, जबकि मेरा पूरा प्लान था आज यहाँ पे आने का, फिर भी सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं आ नहीं सकी, मैं बेहोश हो गई सीरियसली, क्योंकि मेरे यहाँ भी पापा है, हमने और भी जगह जा रहे तो आज बिल्कुल होश नहीं था। सडनली लास्ट मोमेंट पे मेरी आंखें खुली, तो ये तो कोई ना कोई चमत्कार ही है, मतलब भगवान चाहते हैं कि हम आए दर्शन करने। बॉयफ्रेंड छोड़ के सब कुछ मिला है बॉयफ्रेंड छोड़ के सब कुछ मिला है, और वो मांगना भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं। हाँ है कुछ, पर अभी कहते हैं ना कि मुराद पहले नहीं बताना चाहिए, होने के बाद बताना चाहिए, और जब वो हो जाएगी तो अगले साल दोबारा आप लोग से मुलाकात होगी तो फिर मैं बताऊंगी कि मैंने क्या मांगा था और क्या पूरा हुआ। देखिए मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी, जब मुझे भगवान भगवान के बारे में काफ़ी ज्ञान आया, तो तब से लेके अब तक, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं अपनी माँ की कोख में थी तब से मेरी माँ सिद्धि विनायक जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो पैदा होने से पहले ही एक वेंस में है, बापा के प्रति प्यार है। तो दिल से तो मैं गणपति बापा को बहुत मानती हूँ, अभी भी इनफैक्ट मेरा ध्यान मीडिया में कम, फोटो में कम, गणपति बापा में ज़्यादा था। तो गणपति बापा काली माँ को तो मैं बहुत ही दिलो जान से मानती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें, और मेरी जो भी मुराद है वो मेरी मुराद पूरी करें। गणपति बापा मोरिया। आपको बोला गया था ना कि साड़ी पहन के आए। भगवान होते हैं ऑलमाइटी एक है, वो है ऊपर वाला, और एक कोई नहीं। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, गणपति बप्पा मोरिया। मैं देवान से, जितने गणेश जी पंडाल लगते हैं देवान से, पहले दिन से मेरी शुरुआत यही रहती है कि जितने गणेश जी के दर्शन करो कम है, मेरी कोशिश यही रहती है जितने ज्यादा से ज्यादा गणेश जी के दर्शन मैं करूं। पहले दिन भी मैंने बहुत, मेरे पर कृपा थी, पापा के बहुत सारे दर्शन हुए, और दूसरे दिन तीसरे दिन तो रोजाना मेरे दर्शन हो रहे हैं, और जब तक गणेश जी है मैं कृपा करती हूँ उनका आश्रय बना रहे और मेरे दर्शन होते रहे। अमन शांति देश में बनाए रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जाति पाति का जो चल रहा है इसमें आप अमन शांति रखिए। कोई भी चीज में आप हाइपरनेस क्या कहते हैं, किसी भी बातचीत में आके अपना संतुलन ना खोले, शांति बनाए रखे हिंदुस्तान में, प्यार मोहब्बत बनाए रखे, क्योंकि हम सब एक है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान में हम सब एक है, हम हमेशा हम सब एक से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये दुआ है, और मैं ये चाहती हूँ
कि हमारे जो देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे महाराष्ट्र में जिस तरीके से, जिस शान और शौकत से सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं खूबसूरती से, इस तरीके से हमारा देश हमेशा खुशहाली रहे। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा। इस समय गणपति में मैंने फास्ट रखा है और आप सभी को ये बात कहना चाहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी दिन है। अब मैं यहाँ आई हूँ और इतने अच्छे इसमें हूँ तो मैं आप लोग के सामने ये चीज़ बोल दूँ। आज दोपहर को ही मेरी एक मूवी साइन हुई है एंड आई वुड से मेरे लिए करियर चेंजिंग फिल्म है और पापा ने आज सुबह सुबह इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी तो आज का दिन तो मतलब बहुत अच्छा गया। देखिए अब क्या मन्नत मांगना, मेरे हिसाब से आपको जितना मिला है बहुत मिला है। मैं यहाँ पे थैंक यू बोलने आई हूँ, आज दोपहर को मेरी मूवी साइन हुई है और बहुत ज़्यादा खुशी खुश हूँ। मैं बस थैंक यू करने आई थी बात सच बोलो ऐसा लग रहा है किसी ने 5 किलो डाल दिया। बिन मांगे। वेल एक तो पापा मुझे यहाँ पे साड़ी पहन के बुला ले और कुछ नहीं कहना वरना मम्मी सुन लेगी तो नहीं। थैंक यू। हाय दिस इज पूनम पांडे एंड यू आर वॉचिंग लिविंग इंडिया न्यूज। Hi, how are you? कौन सा त्यौहार है वो डिपेंड करता है। आई थिंक गणपति जी विघ्न हरता है और हम सब चाहते हैं कि हमारी सारी बाधाएं, विघ्न, जो भी हमारे ऐसे कंडीशंस हैं जो एडवर्स हैं वो गॉड दूर कर दे एंड वी ओवरकम द ट्रबल्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल आर हियर फॉर। अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। बप्पा उतना ही देते हैं जितना आप डिजर्विंग होते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सब भगवान, ये मेरा ये मानना है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर दिल में भगवान है तो हर जगह है। मुरादे बताते नहीं है। नहीं, शायद अच्छा काम आए और इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल मिले। Like
मैं तो बींग अ महाराष्ट्रियन 8 साल की उम्र से घर में गणपति रखता हूँ और बहुत ही घर में एक पवित्र माहौल हो जाता है। 11 दिन मेरे घर में गणपति होता है और मैं यहीं पे रहता था, यहाँ पर लाइन से आता था खड़े रह के जैसे बाकी भक्त आते थे। आज बापा ने मनोकामना पूरी की, गुरुजी हर साल हम यहाँ पे लाइन में आते थे, आज VIP एंट्री हो रही है, सब बापा की कृपा है और आप सबका प्यार। बापा को कला का दैवत कहते हैं, जो कला का जिसमें कला है उसकी कला पूर्ण करना गणपति बापा का में वो पावर है और हमारी कला को जो सराहना मिली वो बापा के कर्म से ही मिली है। बस सब सारी विश पूरी करते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को गवाऊं और सोनू शान ए आर रहमान सबके गुरु है वो हम सबके, और खान साहब ने मेरे लिए बापा का एक भजन गाया और वो टाइम्स म्यूजिक से रिलीज हुआ, तो मेरे लिए सपना पूरा हो गया। जरूर जरूर जरूर, क्या हो जाए मेरी स्टाइल में क्या। अच्छा अच्छा, गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया गणपति बापा मोर माला तुम्हाला सर्वाना लागली बापाची हिचकी हो, सर्वाना लागली बापाची हिचकी तुला तुला आणि सर्वाना लागली अंधेरीच्या राजाची हिचकी। आई शपथ पापा का रूप एकदम झकास। आमची मुंबई आमची मुंबई रात्र मुंबईची पहिली का ऐसा लगेगा सब कुछ मिलेगा मुंबईचा जादू चढ़ा। आमची मुंबई तुमची मुंबई रात्र मुंबईची पहिलीगा ऐसा लगेगा सब कुछ मिलेगा मुंबईचा जादू चढ़ा। आमची मुंबई वा भैवा साडी MMC वा भैवा, आमची मुंबई वा भैवा साडी MMC वा 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 वा, अंधेरीचा राजा आपला अंधेरीचा राजा आपला मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और मेरी कुछ नसीबी है कि मैं 2 साल से मुझे इतना सक्सेस मिला है और मुझे क्या चाहिए, बस बापा से इतना मांगना चाहते हैं कि मुझे और मेरे फैमिली को हमेशा आगे बढ़ते हमेशा आगे बढ़ते जाए। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे लाइफ में और मेरा इतना सक्सेस होगा, लेकिन पापा ने अभी दे दिया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसकी वजह से। थैंक यू। उसका सॉन्ग जादू करने वाली है, आप जल्दी सुनेंगे। पहले आपने सुने चलाऊंगा मेरे से बाहर उनका PDS बोरिया, तो मेरा साथ देना सब लोग यही है। पहले गणपति पूजोगे पांच करियो बीच सदन भगवन मरी पति रखियो मेरी साथ कोरस ताली के साथ देंगे गंगम गणेश गंगण 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 गंगम गणेश
आसान बना है और इसीलिए मैं आपको हर साल रूबरू यहाँ मिलता हूँ। जैसे मेरे दो टाइम मांगा ऐसे अब क्यों मांगा है? दो टाइम जो मांगा वो पप्पा ने दिया, इस बार भी कुछ मांगा है वो भी पूरा हो। जैसे बड़ी मुरादे तो कर्म है ये कि जितनी मूवीज आई हैं सब के एक एक साल सुपर डुपर हिट रहे हैं। ये सब ये का दुआएं हैं, सब आशीर्वाद है। हर साल कुछ ना कुछ आता है नया और वो एक अपना मुकाम पाता है। इसके बाद मेरी फिल्म है दावत इश्क, बड़े भैया तेवर के अंदर आप मेरे गाने सुनने को मिलेंगे। बप्पा के दरबार में दो लाइनें, बप्पा के दरबार में दो लाइनें मैं सुनाता हूँ, बिल्कुल नया। ये योगेश जी हमारी खुशनसीबी, हमारे बड़े भाई और एक इंडस्ट्री की छान, ये थोड़ा सा हो जाओ, वो है दो लाइनें। बप्पा की शान में दो लाइनें नया मैं सुनाता हूँ। नैना तिहारी गजानन, नैना तिहारी गजानन, सब देवों के देव तुम्हें हो, सब देवों के देव तुम्हें हो, तुम ही हो अंदाता नैना तिहारी गजानन, हो नैना तिहारी गजानन। मैं तो मेरी खुश बप्पा के दरबार में बस ये है कि जैसे मेरी आज हाजिरी लगी बप्पा के दरबार में, आइए सब लोग विशेष मांगे पूरी होंगी और मेरी फिल्म दावत इश्क जरूर देखने जाइए। आइए सर, ये बीच में आइए, ये उन्हें बात, ये दर्शन। बिन मांगे एक मुराद पूरी हुई। आज मैं सोचा भी नहीं था कि इस पंडाल में हमारे गुरु योगेश लाखानी से हमारी मुलाकात होगी। ये मेरे प्रिय मित्र हैं, मित्र मतलब मित्र कह रहा हूँ, मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, लाड़ में आ गया हूँ। ये हमारे इनकी वजह से हम इंस्पायर होते हैं और इनकी वजह से कई होर्डिंग वाले एक्सपायर हो चुके हैं, इन्होंने सबका काम छीन लिया है। हर जगह पे पता नहीं इनका किसने क्या बिगाड़ा, सबको लटका देते हैं, लेकिन जो इनसे जुड़ जाता है उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। एक बार इनके ऑफिस में मैं गया था, उन्होंने कहा जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने से कहा योगेश है, तो लड़की कहती है यू गेस, मैंने कहा मैं क्यों गेस करूं, तुम ही बताओ कि है कि नहीं। तो ये हमारे योगेश जी है। जिस तरह से हर शादीशुदा मर्द की जिंदगी ब्राइड होती है, हर शादीशुदा जिंदगी के मर्द की जिंदगी में ब्राइड होती है, वैसे हर फिल्म स्टार की जिंदगी में ब्राइड होती है। और ये लाखों में एक है, इसलिए मेरे अच्छा आप कैमरे में बताइए कितने होर्डिंग देंगे हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी को।
नहीं, अकेले भी नहीं, सबके सामने यही है वो आदमी योगेश लखानी। बताएंगे आपको कि कितने होटल मिलेंगे हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी को, जितना जितना चेंज चेंज करने के लिए एक्सेप्टेबल होगा। मनी एज ए कॉमेडियन मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा होटल के पापा से कि सबको हंसता रखे, हंसाता रखे, जीवन में हर आदमी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। और हमारी मैं सर योगेश जी को अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ और ठाकुर साहब को, राजू ठाकुर साहब जो कॉमेडी सर्विस के किंग है उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे मित्र अशोक मिश्रा जो स्टेज के किंग है मैं उन्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। और ये हमारे पता नहीं कहाँ के किंग है इन्हें भी गिफ्ट कर रहा हूँ जी। सारा जलवा यहाँ आके ही हुआ है और गणपति बप्पा की मेहरबानी से हुआ। आपने ये सवाल मुझसे नहीं किया कि गणपति बप्पा से बिना मांगे क्या मिला, एक ही चीज जो सब है वो इन्हीं का मिला। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गणपति बप्पा का कोई भी द्वार हो मैं वहाँ पर जाके माथा रगड़ना, नाक रगड़ना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और इसीलिए आया। और देखिए गणपति बप्पा के यहाँ पर आओ तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए सुनील पाजी सारी लाइनें बोल चुके हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुनील पाजी को फिल्म रिलीज करनी है, मुझे अभी नहीं करनी है। योगेश लाखानी का शॉर्ट फॉर्म होता है योला, मतलब यशोदा का लाल, योला यशोदा लाल। पक्का है होर्डिंग लग रही है, बस अब होर्डिंग लगेगी, आप बताइए कितनी होर्डिंग। गणपति बप्पा, दोस्तों गणपति बप्पा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि गणपति बप्पा के बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। श्री गणेश हमेशा गणपति बप्पा के नाम से होता है, इसीलिए आज के ज़माने में इंटरनेट की पीढ़ी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप नेट तब तक नहीं खोल पाओगे जब तक माउस हाथ में नहीं होगा। और माउस है बापा की सवारी और गणपति बापा मतलब जीपी और अष्टविनायक मतलब 8 GB। याद रखिएगा कि गणपति बापा के बिना ना तो दरवाजे खुलेंगे ना खिड़कियाँ खुलेंगी। और फिल्म का प्रोड्यूसर होने के नाते, मनी बैक गारंटी फिल्म का प्रोड्यूसर होने के नाते, एक अगली फिल्म मैं बनाने वाला हूँ जो मेरी फेवरेट फिल्म थी, बंदूक मेरी दुल्हन, एक फिल्म आई थी बंदूक मतलब गन, तो उसका मेल वर्जन बनाऊंगा मैं गणपति, गणपति जब बंदूक दुल्हन हो सकती है तो गणपति की नहीं हो सकता। और साथ साथ में ये कहना चाहूंगा मैं कि गणपति बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ में ही है। खुशियां मनाना हो तो बोलो गणपति बाबा, अगर टेंशन मनाना हो तो बोलो दीनू मौर्या। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं हूं सुनील पाल उर्फ रतन नूरा और आप लोग देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। देखते रहिए, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज देता है। थैंक यू।